गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सबका गोवा ट्रिप के दूसरी ब्लॉग में। आज है मेरा सेकंड डे गोवा में और मैं रुका था कल कोलवा बीच में, जा रहा हूँ पैलेलोम बीच। तो अभी थोड़ी देर में निकलूंगा, सुबह के 7 बज रहे हैं, 9 बजे करीब मैं निकलूंगा यहाँ से और फिर यहाँ वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे बीच वगैरह जो भी है वो देखेंगे, वहाँ पे और भी आसपास जो फोर्ट है, काबू देरामा फोर्ट जो भी है वो एक्सप्लोर करेंगे जाके। तो फ्रेंड्स, निकल रहा हूँ पैलेलोम बीच के लिए और आपको ज्वाइन करता हूँ पैलेलोम में। आप वीडियो में जुड़े रहिए और मेरे इस गोवा ट्रिप को आप भी वर्चुअली एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, कोलवा बीच से निकलने के बाद होटल रूम से जो मैं निकला तो वहाँ से करीब 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा था ये पैलेलोम बीच जाने के लिए। और मैं अभी रास्ते में ही हूँ और रास्ते यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपको स्कूटी ड्राइव करने में मज़ा आएगा, ड्राइविंग का मज़ा आने वाला है आपको। और मैं मॉर्निंग के टाइम पे निकला हूँ, धूप नहीं है और दिन में भी ज़्यादा धूप नहीं होने वाली है क्योंकि बारिश हुई है यहाँ पे। यहाँ पे अगर गूगल मैप से आप जाएंगे तो आपको मेन रास्ता दिखाएगा। तो आप यहाँ पे बीच बीच में यहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे पूछ सकते हैं तो आपको शॉर्टकट बता सकते हैं वो। और अभी मेन रास्ता जो मेन रोड से बता रहा था मुझे टाइम, उसमें बहुत ज़्यादा लगता है। यहाँ पे मैंने एक नारियल पानी वाले से पूछा, जहाँ नारियल पानी पिया मैंने तो उसने मुझे शॉर्टकट बताया और उसी शॉर्टकट रास्ते में आगे बढ़ रहा हूँ मैं और इससे थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं। और धूप बिल्कुल नहीं है, अभी 9 बज चुके हैं, धूप नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरे इस गोवा ट्रिप को वर्चुअली इंजॉय कीजिए और यहाँ के रास्ते बहुत अच्छे हैं, एम्बियंस बहुत अच्छा है और यहाँ पे मजा आने वाला। आप कभी भी आएंगे गोवा घूमने आपको मजा आएगा, बस मौसम वगैरह थोड़ा देख के आए कि ज्यादा गर्मी ना हो उस टाइम पे आए आप तो यहाँ मजा आने वाला है। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी है, घर जो बने हुए हैं, यहाँ के मकान जो बने हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं और पीसफुल माहौल है, पॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल, कम घर है, कम लोग हैं, तो मजा आएगा आपको ये जगह घूम के, रिलैक्स माइंड होके आप घूमोगे यहाँ पे बहुत मजा आएगा। फाइनली मैं पहले लोग बीच पहुंच चुका हूं और यहां पे मैंने होटल में भी चेकिंग कर लिया है अपने कॉटेज में और अभी मैं खाना खाने निकला हुआ हूं और खाना खा के यहां खा लेता हूं पहले, फिर चलेंगे कॉटेज, दिखाऊंगा आपको अपना कॉटेज का टूर कराऊंगा और उसके बाद फिर बीच पे ले जाऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं खाना खाने के बाद बीच। तो फ्रेंड्स, खाना मेरा आ चुका है और मिलते हैं फिर आपसे खाना खाने के बाद। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं पहुँच चुका हूँ पैलेलोम बीच। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो हट्स वगैरह बने हैं, कॉटेज बने हैं, वहाँ पे ही मैं रुका हुआ हूँ द चार्मिंग हट्स में। और अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको कहाँ पे हूँ, मैं बीच साइड में हूँ बिल्कुल और बीच का व्यू दिखाने वाला हूँ आपको, समुद्र दिखाने वाला हूँ और पानी बहुत साफ है यहाँ का। बाकी मैं मुंबई से, जैसे पहले मैं मुंबई आया था तो वहाँ का पानी थोड़ा सा गंदा था, तो यहाँ का बीच का व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो मेरे पीछे देखिए बीच और ये रेड फ्लैग लगे हुए हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए रेड फ्लैग लगा हुआ है, मतलब ये खतरे के निशान पे, मतलब कुछ ऐसा है कि अभी बहुत दूर नहीं जाना है या अंदर नहीं जाना है, तो अपना सेफ्टी के साथ जाना है यहाँ पे, गाइड्स वगैरह तैनात हैं अभी।
फ्रेंड्स, ये जो सामने देख रहे हैं आप हट बने हुए हैं, उसमें ही किसी एक हट में मैं हूँ, द चार्मिंग हट में, मैंने पहले भी बताया आपको। और यहाँ से बिल्कुल सीधा वैसे आने के बाद आप देखिए यहाँ का व्यू, द पैले लॉन्ग बीच में, यहाँ का देखिए कितना अमेजिंग, कितना मेसमराइजिंग व्यू है। और इधर कुछ पहाड़ियाँ टाइप की हैं छोटे छोटे, और ये है वो नारियल के पेड़ है किनारे पे, बोटिंग्स वगैरह होती है यहाँ पे, इसको वाटर एक्टिविटी वगैरह बहुत सारे गेम भी होते हैं। तो ये देखिए पानी, और एंजॉय कीजिए मेरे साथ इस बीच की, इस गोवा के सुहाने सफर को। आप सुन पा रहे होंगे समुद्र की लहरों का शोर, यहाँ पे बहुत खामोशी है, आवाज है तो सिर्फ समुद्र की लहरों का, वो सुन पा रहे होंगे आप, लहर कितनी तेज आ रही है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। फ्रेंड्स, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में अगर कंपेयर करें हम, तो साउथ गोवा काफ़ी पीसफुल है और लेस क्राउडेड है, यहाँ पे क्राउड बहुत कम है, और आप यहाँ पे इंजॉय बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बीच वगैरह का जो भी है इंजॉयमेंट करना चाहें तो यहाँ पे ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। नॉर्थ गोवा में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पार्टी वगैरह का कुछ ज़्यादा माहौल है, वहाँ पार्टी वगैरह ज़्यादा करने लोग जाते हैं, ड्रिंक वगैरह पार्टी जो भी करना होता है। और यहाँ अगर किसी को पीस पसंद है, पीसफुल इन्वायरमेंट में पीसफुल एम्बियंस चाहिए, बीच चाहिए, तो फिर लोग साउथ गोवा आते हैं। और यकीन मानिए साउथ गोवा में सिर्फ बीचेस नहीं है, बीच तो बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, और भी बहुत सी चीज़ें, और भी प्लेसेस हैं यहाँ पे, बहुत सारे मंदिर हैं, अच्छी अच्छी जगह हैं। तो आप यहाँ पे अगर 3-4 दिन का टूर प्लान करते हैं तो साउथ गोवा को बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। और ये अभी मैं जहाँ पे हूँ, ये यहाँ का सबसे फेमस बीच है, पैलेलोम बीच। तो दोस्तों, इस खूबसूरत से सी व्यू के साथ आज की इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।